वैलोरेंट 2 जून को रिलीज़ हो चुका है, आज 3 तारीख है और एक दिन हो चुका है इस गेम को, और बहुत सारे गेमर इस गेम को डाउनलोड करके खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं और मज़े कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस गेम को डाउनलोड तो कर लिए हैं लेकिन वो खेल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको FPS प्रॉब्लम हो रहा है, ग्राफिक्स प्रॉब्लम हो रहा है, गेम लैग कर रहा है, क्योंकि उनके पास एक लो एंड PC है, लो एंड बजट लैपटॉप है जिसमें गेम ठीक से चल नहीं पा रहा है, जबकि इस गेम को बनाया गया है लो एंड PC के लिए, फिर भी बहुत सारे लोगों के पास गेम ऐसा लैग कर रहा है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो कौन से सेटिंग्स आपको रखने हैं जो आपके गेम को लैग ना करे, गेम स्मूथली रन करे एंड आपको अच्छे FPS भी मिले एंड गेम किसी भी तरह से कोई डिस्टर्ब भी ना करे। हाय गाइस, दिस इज लिनक्स प्लेजो एंड वेलकम टू द ब्रांड। सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और मुझे सोशल मीडिया में फॉलो भी कर सकते हैं। मैं वैलोरेंट के रिगार्डिंग हर छोटी से छोटी जानकारी सोशल मीडिया में शेयर करूंगा जो आपकी गेम प्ले को और बेटर बनाएगा। ओके, यहाँ पे 3 डॉट टॉप कॉर्नर में दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए, जो वैलोरेंट का लोगो जैसा है वहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको सेटिंग ऑप्शन मिलेगा, सेटिंग में क्लिक करने के बाद आप सबसे पहले जर्नल के इस पेज पे आ जाइएगा। ठीक है, तो जर्नल में सबसे पहले हमें ऑप्शन देखने को मिलता है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, जो डिफ़ॉल्ट सबका होगा, आपका भी होगा। एनिमी हाइलाइट्स कलर आप येलो रख लीजिए या फिर पर्पल या फिर ग्रीन रख लीजिए, जो भी आपको कलर पसंद आए। रेड मत रखिए क्योंकि ये बहुत अजीब सा कलर होता है, सबको एक ही जैसा कलर रखिए, थोड़ा सा अलग आप रखिए तो दिखने में भी अच्छा लगेगा, तो मैंने पर्पल रखा हुआ। उसके बाद माउस सेटिंग में हमें 4 ऑप्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है उसको मैंने 0.71% रखा हूँ। मैं गेमिंग माउस यूज़ करता हूँ 400 DPI में, तो मैंने इसे 0.71 में रखा हूँ। अगर आपके पास कोई ऑफिस टाइप का माउस है जैसे HP अदर्स कोई ब्रांड, जो गेमिंग माउस नहीं है, नॉर्मल माउस यूज़ करते हैं, तो उसे ही जैसे लगा मैंने गेम इंस्टॉल करते टाइम जो आपको सेटिंग दिया जाता है आप उसी सेटिंग में रहिए। थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, 19-20 कर सकते हैं, लेकिन एकदम 20-25 मत कर दीजिएगा, वरना आपके गेम बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी गेम खेलते टाइम। एनिमी सामने रहेगा, थोड़ा सा भी मूव कीजिएगा पूरा का पूरा स्क्रीन मूव हो जाएगा और एनिमी आके आपका बजा के चला जाएगा, तो ज़रूरत नहीं है। आप जो सेटिंग दिया जाता है उसी कीजिए। अगर आपके पास गेमिंग माउस है, 400 DPI में मैं 0.71 यूज़ करता हूँ, और उसके नीचे वाले ऑप्शन को मैंने 1 रखा हुआ है। और उसके बाद और भी 2 ऑप्शन है, ऑन ऑफ का ऑप्शन है, मैंने दोनों को ऑफ कर दिया हूँ क्योंकि मुझे इस तरह के मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ऑन रखे ऑफ रखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मिनी मैप को आप रोटेट कर सकते हैं या फिर रोटेट को बंद कर सकते हैं, तो रोटेट रखिए, दिखने में भी ज़्यादा अच्छा लगता है, सो मैंने इसे रोटेट ही रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कीप प्लेयर, इसको ऑफ कर दीजिए। ये क्लिप प्लेयर सेंटरेटेड जो भी एक ऑप्शन है इसे ऑफ कर दीजिए, क्योंकि आप देखिएगा कि अगर जब भी आप वैलोरेंट खेलते टाइम आपका माउस जो मैप है वो ऊपर कॉर्नर में जो सर्कल बना हुआ उससे गायब हो जाता है, उसके अंदर छिप जाता है, आधा मैप दिखाई देता है आधा नहीं दिखाई देता है, तो इसे ऑफ रख दीजिएगा तो वो मैप फिक्स हो जाएगा एक जगह पे, वो गायब नहीं होगा, आपके एनिमी भी आपको पूरे नज़र आएंगे, आपके टीममेट्स भी पूरे नज़र आएंगे। ओके, तो मिनी मैप का साइज आप 0.8 रख दीजिए, ज़्यादा छोटा भी नहीं लगेगा ज़्यादा बड़ा भी नहीं लगेगा। ओके, क्योंकि 0.8 यहाँ पे सबसे लो है, देखिए इससे लो नहीं जा रहा है, ये देखिए ज़्यादा जा रहा है बट ये लो नहीं हो रहा है, यहाँ पे चला जा रहा है, यहाँ पे 1.0 तक जा रहा है लेकिन ये 0.8 से नीचे नहीं उतर रहा है, तो मतलब यही लो है, तो आप इसे लो रखें। मिनी मैप जूम, ये जो ऑप्शन है इसे 0.904 रखा हूँ, मतलब 0.904 इसे मैंने रखा, इसे ज़्यादा कम बेसी मत कीजिए, ये सबसे ठीक है। उसके बाद मिनी मैप जूम के बाद एक नीचे ऑप्शन मिलता है, उसे आप ऑन रख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है जो सबसे ईजी भी है, अदर्स ऑप्शन आपको मिलेगा मिनी मैप के बाद। अदर्स ऑप्शन में आप क्या कीजिए कि यहाँ पे जो एक ऑप्शन है शो मैप रीजन नेम भी जो है इसे ऑलवेज कर दीजिए। ठीक है, ऑलवेज कर दीजिए, और उसके बाद जितने भी ऑप्शन नीचे नज़र आते सारे के सारे को ऑन कर दीजिए। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा नेटवर्क बफरिंग ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मिनिमम कर दीजिए और बाकी सारे को ऑन कर दीजिए। ये जनरल सेटिंग का सबसे बेस्ट सेटिंग बता रहा हूँ। ठीक है, अब चलते हैं हम कॉर्सर सेटिंग। मैंने ये सारे जितने भी कॉर्सर सेटिंग मैं अभी आपको बताऊँगा ये सारे के सारे सेटिंग मैंने
बहुत ही मतलब गेम FPS गेम के गॉड माना जाता है उस बंदे को, उसका नाम है श्राउड, ठीक है। तो मैंने ये जितने भी कोर्सेस सेटिंग है ना बंदे की, मैंने पूरी की पूरी कॉपी की हुई है। यहाँ पे कोर्सेस सेटिंग आपको जो दिख रहा है सारे के सारे श्राउड से मिलते हैं, A to Z हर एक चीज़ मैंने कॉपी की है। मैंने उनके एक स्ट्रीम देख रही थी, मैं देख रहा था, एंड उस स्ट्रीम में उस जनाब ने, भाई साहब ने सब कुछ बताया इसमें, तो आप, मैं वो बता रहा हूँ आपको। तो कॉर्सर कलर आप ग्रीन रख दीजिए, ठीक है। आउटलाइंस आप ऑफ रख दीजिए, ग्रीन भी ग्रीन रखिए ऊपर वाले ऑप्शन को, नीचे आउटलाइंस को ऑफ रखिए। और यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, आउटलाइन ओपासिटी, आउटलाइन थिकनेस, ये जो है क्योंकि हम लोग ने आउटलाइन को ऑफ रखा हूँ तो इसे मैं बढ़ा दूँ कमा दूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो चीज़ पहले से बंद है, तो ये ज़्यादा रहे कम रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सेंटर डॉट, सेंटर डॉट को ऑफ रख दीजिए, क्योंकि कर्सर के बीच में एक बिंदु टाइप का रहेगा, उससे अजीब लगता है देखने में, तो आप उसे ऑफ रख दीजिए। सेंटर डॉट के बाद सेंटर डॉट ओपेसिटी और थिकनेस, सेंटर डॉट को भी जैसे मैंने बताया और आउटलाइंस के जैसे ऑफ रखा हूँ, तो इसके जो ओपेसिटी और थिकनेस है ये कम बेसी हो भी जाए, रहे जितना भी रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। थिकनेस के बाद हमारे पास आता है फायर हीरो, इसे ऑफ कर दीजिए, ठीक है। उसके प्लेयर कॉर्सेयर जो एक ऑप्शन दिख रहा है फायर फायरिंग हीरो के बाद, उसे ऑन रख दीजिए। उसके बाद आता है इनर लाइंस, इनर लाइंस ओपासिटी जो, इसको एक रखिए, लेंथ को 4, थिकनेस को आप 2 रखिए और ऑफसेट को 3, ठीक है, ये रख दिए। देन उसके बाद यहाँ पे मूवमेंट एरो कुछ लिखा हुआ है, इसे ऑफ ऑफ कर दीजिए। और उसके दोनों मतलब ये इनर आउट इनर लाइंस ओपासिटी ऑफसेट सॉरी ऑफसेट के बाद जो नीचे दोनों ऑप्शन है ये दोनों को ऑफ कर दीजिए, किसी काम के नहीं है ये दोनों, ठीक है। आउटलाइंस, आउटलाइंस हमें तो चाहिए ही नहीं भाई, एकदम नहीं चाहिए, इसलिए मैंने सारे के सारे को 0 रखा हूँ। ओपासिटी, लेंथ, थिकनेस, ऑफसेट सारे को मैंने यहाँ पे 0 कर दिया हूँ। मूवमेंट एरो ये सब मैंने ऑफ कर दिया हूँ, ठीक है। जितना ज़रूरी मुझे लगा, आई मीन श्राउड को लगा, वो उस वीडियो में उसने बताया, तो मैं भी लकी था तो मैं देख लिया। एंड इसमें भी देखी, इसमें उसने कुछ कुछ चीज़ें कम बेसी रखे थे लेकिन मैंने ऑफ कर दिया क्योंकि मुझे पसंद नहीं आ रहा था, तो मैंने उसे ऑफ कर दिया। अब हम बढ़ते हैं ग्राफिक सेटिंग के साथ पास में, ठीक है। ग्राफिक सेटिंग, ग्राफिक सेटिंग आप अपने कंप्यूटर के या फिर लैपटॉप के प्रोसेसर और मैंने CPU और GPU के ऊपर रखें, मतलब देख ले अगर आपके पास, जैसे मेरे लैपटॉप में अभी इंटेल i5 7 जनरेशन है और ग्राफिक्स कार्ड है NVIDIA 940MX, तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे जितने भी क्वालिटी है सारे के सारे को मैंने हाई कर दिया हूँ, ठीक है। VSync को ऑफ कर दिया हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है VSync, उतना कुछ खास नहीं है, VSync से मुझे डिस्टर्बेंस होते हैं, ओके। और मेरा लैपटॉप का भी ज़्यादा रैम नहीं है तो मैं इसे ऑन भी नहीं रखता, मालूम नहीं अगर गेम खेलते टाइम किसी भी तरह से लैग होने लगे, किसी भी तरह से का चांस मैं नहीं लेता गेम खेलते टाइम। तो सारे चारों ऑप्शन को हाई करने के बाद नीचे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, वो दोनों को ऑफ कर दीजिए, ठीक है। एंटीलाइजिंग को यहाँ पे आप MSAA 4X जो है इसे आप एक रख दें। 4X के नीचे एक और ऑप्शन है, वहाँ पे आपको 1X 2X 3X 8X 16X आपको मिलेगा, आप यहाँ पे एक 1X कर दीजिए, ठीक है। इम्प्रूव क्लैरिटी जो है इसे आप ऑफ रख दें या फिर ऑन रख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, गेम को लो एंड पीसी के लिए ही बनाया गया है, तो इम्प्रूव क्लैरिटी को आप ऑन रखें ऑफ रखें आपको क्वालिटी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप इसे ऑन रखें या फिर ऑफ रखें। आप इसे ऑन रख के भी देख सकते हैं, ऑन रखिएगा तब भी जो आपको क्वालिटी मिलेगा, और ऑफ रखने के बाद भी जो आपको क्वालिटी मिलेगा, दोनों में दोनों का दोनों सेम होगा, ज़रा सा भी डिफरेंस नहीं है। उसके बाद इम्प्रूव क्लैरिटी के बाद आपके पास ऑप्शन आता है ब्लॉम, ठीक है। ब्लॉम का ऑप्शन जो है आप इसे ऑन रख दीजिए, ठीक है, और उसके दोनों ऑप्शन को यहाँ पे ऑफ रख दीजिए। उसके बाद स्टेट्स में चले जाते हैं, तो यहाँ पे क्लाइंट FPS को हाइड रखा हूँ, मुझे FPS से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कितने FPS आता है, क्योंकि मेरे पास एक लैपटॉप है जिसमें मुझे FPS देखने को मिले या फिर ना मिले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हाई एंड PC होता तो मुझे फ़र्क पड़ता कि हाँ भाई कितना FPS मुझे मिल रहा है तो मैं देख भी सकूँ उसको, उस हिसाब से मुझे गेम में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। बट मैं सिर्फ गेम खेलता हूँ, उसको रिकॉर्ड करता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, बस उतना ही मुझे पसंद है।
और यहाँ पे मैंने ऊपर से लेके पांचों ऑप्शन को हाइड रखा हूँ, और नेटवर्क राउंड ट्रिप जो इसको ऑन रख दिया हूँ, और पैकेट लॉस जो होता है उन दोनों को सिर्फ टेक्स्ट ऑनली में कर दिया हूँ। तो बस यही है। कंट्रोल्स मैं बता देता हूँ, कंट्रोल्स में की बाइंडिंग सेटिंग आप लोगों को इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वैलोरेंट पहला एक ऐसा गेम है जिसमें की बाइंडिंग सेटिंग पहले से ही इजी है, मतलब इसको छेड़छाड़ करने की और ज़रूरत है ही नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है। सारे के सारे सेटिंग आपको पहले से इतने इजी मिलेंगे भाई कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेंगे किसी और चीज़ के लिए। ठीक है, देख लीजिए जो नॉर्मल सेटिंग यहाँ पे दिया हुआ है पहले से, मैंने एक भी सेटिंग को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं किया। ठीक है, ज़्यादा सेटिंग मैंने छेड़छाड़ नहीं किया, बस मैंने एक ही सेटिंग को मैंने चेंज किया हूँ। यहाँ पे टीम वॉइस पुश टू टॉक की जो की होता है, मतलब वैलोरेंट और CS:GO में होता है कि आपको की के जो बटन होता है, के बटन को प्रेस करके अपने टीम मेट्स के साथ बात करना पड़ता है। तो मैंने वो क्या किया, के मेरे उंगली से थोड़ा मतलब कीबोर्ड ज़्यादा दूर हो जाता है, टिपने में प्रेस करने में मुझे असुविधा होता है, तो मैंने उसे क्या किया है कि स्पेस बटन के साइड में जो लेफ्ट ऑल्ट बटन है मैंने उसको पुश टू टॉक बना दिया। तो मैं अपने थंब से डायरेक्ट आराम से उसे, मगर जब जम करना हो तो स्पेस टिपता हूँ, अगर किसी से बात करना हो तो मुझे ज़्यादा तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है, सामने ही है स्पेस बटन के पास में, बस उसको प्रेस करता हूँ और अपने दोस्तों से बात कर लेता हूँ। तो ज़्यादा छेड़छाड़ मैंने की नहीं है की बाइंडिंग्स को लेके। इंटरफेस देख लीजिए, सारे के सारे एकदम नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब कि छेड़ी नहीं है, मैंने एक ही चीज़ को छेड़ी है वो कम्युनिकेशन में, बस पुश टू टॉक को, और कुछ छेड़ा ही नहीं है मैंने, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ा और किसी चीज़ को यहाँ पर छेड़ने की, पहले से ही ईजी है इसलिए इसे और छेड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे। तो गाइस ये था द बेस्ट प्रो सेटिंग फॉर लो एंड PC या लैपटॉप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं वैलोरेंट के रिगार्डिंग हर तरह का वीडियो लाता रहूँगा जो आपके गेम प्ले को और बेटर बनाएगा। सो थैंक यू गाइस, स्टे होम स्टे सेफ, आई विल कैच यू ऑन द नेक्स्ट वन, स्टे ट्यून्ड।